वन नाइट स्टैंड की इस जनरेशन में अगर कोई सच्चा प्यार करने वाला मिल जाए तो क्या ही बात है। लेकिन आजकल तो ऐसा सिर्फ नॉवेल्स या मूवीज में ही देखने को मिलता है, क्योंकि प्यार करना तो आसान है लेकिन उसे निभाने में अक्सर लोग मात खा जाते हैं। आज ग्लैम्बिया आपको ऐसी ही प्यार से भरपूर मूवी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अननोन फैक्ट्स बताने वाला है। सो हे गाइस, वेलकम टू ग्लैम्बिया और मैं आपकी होस्ट और गपशप पार्टनर रिया आपको आज एक बहुत ही प्यारी और रोमांटिक मूवी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताऊंगी जिसकी आपको अभी तक कोई खबर नहीं होगी। नोटबुक नाम तो सुना ही होगा। ये मूवी उन होपलेसली रोमांटिक लोगों के लिए है जो ना सिर्फ प्यार करना जानते हैं पर उसे अच्छे से जिंदगी भर निभाना भी। तो आज मैं आपको नोटबुक के बारे में 11 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। क्या आपको पता है कि एली वाज़न सपोज्ड टू क्रैश इनटू नोआस गेट? जी हाँ, ये एक एक्सीडेंट था लेकिन इस सीन को फिल्म में रखा गया क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा शॉट था। निक कसावत डायरेक्टर के लिए पहली चॉइस नहीं थे। स्टीवन शिल्बर्ग, जिम शर्डन और मार्टिन कैम्पफेल भी इस मूवी को डायरेक्ट करना चाहते थे। रेचल और रायन जो इस मूवी के अभिनेत्री और अभिनेता हैं, उन्हें द एमटीवी अवार्ड्स फॉर द बेस्ट किस दिया गया था और तब से इस अवार्ड को रिसीव करने का तरीका हमेशा हमेशा के लिए बदल गया है। जब वो दोनों इस अवार्ड को एक्सेप्ट करने के लिए स्टेज पर गए तो उन्होंने उसी सीन को रिक्रिएट किया और तब से ये एक ट्रेडिशन बन गया है। क्या आपको पता है कि ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर आधारित है? जी हाँ, रियल लाइफ में नो और एली एग्जिस्ट करते हैं। निकोलस पार्क्स की बुक उनकी एक्स वाइफ के ग्रैंड पेरेंट्स पर है। ये कपल 60 बरस तक साथ रहा था और उनकी एक्स वाइफ उन दोनों के बहुत ही क्लोज थी। कैथी के ग्रैंड पेरेंट्स कैथी और निकोलस की शादी पे नहीं आ पाए थे क्योंकि वे बीमार थे। इसलिए कैथी और निकोलस ने सेरेमनी के अगले दिन ही पूरा अच्छे से ड्रेसअप होके कैथी के ग्रैंड पेरेंट्स को एक सरप्राइज दिया एक छोटे से सेलिब्रेशन के साथ। और उस दिन निकोलस ने जाना कि वो दोनों कैसे मिले थे और बाद में नोटबुक के लिए इंस्पिरेशन बन गए। निकोलस पार्क्स उन दोनों से बहुत ही प्रभावित थे। अब जिन लोगों ने ये मूवी देखी है, आई एम श्योर आप लोग अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाए होंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ इस फिल्म की अभिनेत्री के साथ। जी हाँ, रेचल ने ये स्क्रिप्ट जब पहली दफा पढ़ी तो वो बहुत रोई। उनके पास काफी कम समय था ऑडिशन के लिए प्रिपेयर करने के लिए लेकिन वो बहुत इमोशनल हो गई थी क्योंकि स्क्रिप्ट ही कुछ ऐसी है। और फिर जब आपको पता लगे कि ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है तो फिर वो सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती। अब बारिश वाला सीन तो आप लोगों को याद ही होगा। उस सीन में रेचल ने जूते नहीं पहने थे क्योंकि ये सब चीजें कपड़े वगैरह सब 1940 से बना हुआ था और एक एक करके नष्ट होता जा रहा था। अब बात करते हैं हैंडसम रायन गोसलिंग की। वेल, लेट मी टेल यू वन थिंग, डायरेक्टर निक कसाविट्स ने रायन गोसलिंग को इसीलिए कास्ट किया क्योंकि वो उन्हें कुछ खास नहीं लगे थे। जी हाँ, निक कसाविट्स ने रायन गोसलिंग को मुबारकबाद देते हुए कहा, आई वॉन्ट यू टू प्ले दिस रोल बिकॉज यू आर नॉट लाइक एनी अदर यंग एक्टर्स आउट देयर इन हॉलीवुड। यू आर नॉट हैंडसम, यू आर नॉट कूल, यू आर जस्ट अ रेगुलर गाय हु लुक्स अ बिट नट। जाहिर सी बात है कि उन्होंने उस हैंडसम और डैशिंग रायन गोसलिंग को नहीं देखा जो हम सब देखते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी फिल्म की शूटिंग रिवर्स में हुई है, मतलब पहले वो सीन शूट किए गए जिसमें वो लोग बुजुर्ग थे
इसकी वजह से रायन गोसलिंग को क्रिसमस के टाइम पे 20 पाउंड्स मसल वेट लूज करना पड़ा था और साथ ही साथ अपनी बियर्ड भी शेव करनी पड़ी थी ताकि वो जवान दिख सके और एली को अपने प्यार में गिरा सके। रायन गोसलिंग ने खुद वो टेबल बनाया था जो कि डिनर सीन के लिए यूज किया गया है। रायन गोसलिंग ने मेथड एक्टिंग ऑप्ट की थी जिसकी वजह से उन्होंने 2 महीने साउथ कैरोलिना चार्ल्सटन में भी बिताए थे और फर्नीचर बिल्डिंग किया, इसलिए कुछ फर्नीचर सेट डिजाइनर ने भी मूवी में इस्तेमाल किए। यही नहीं, रेचल ने भी मेथड एक्टिंग अडॉप्ट की थी और उन्होंने इस मूवी के लिए एटिकेट्स और बैले डांसिंग सीखी। आई मीन, वेयर वुड यू फाइंड सच डेडिकेटेड एक्टर्स? वेल, अगर आप लोगों ने नॉवल पढ़ी है तो आपको पता होगा कि ये नॉवल इज मोर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ नोआ एंड इसलिए एली का कैरेक्टर ज्यादा एक्सप्लोर नहीं हो पाया, बट मूवी में इसको चेंज किया गया ताकि एली और नोआ के कैरेक्टर्स को इक्वल पर्सपेक्टिव दिया जा सके। इस चीज से रेचल एडम्स बहुत ही खुश थी क्योंकि इसकी वजह से उनका रोल अच्छा खासा बड़ा हो गया था। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रायन गोसलिंग इम्प्रोवाइज्ड द आइकॉनिक पैशनेट लाइन एट द एंड ऑफ द मूवी। You know, when Noah catches Ellie at the climax and forces her to come on terms with what she wants by shouting, "What do you want? What do you want?" Well, वो अपने रोल में इतना घुस गए थे कि लाइंस ना होने के बावजूद भी उन्होंने उस साइलेंस को इतना एप्टली फिल किया और ये लाइंस शूट हुई। तो थी ना ये कुछ दिलचस्प बातें? वेल, ऐसी और बातें जानने के लिए आते रहिए और देखते रहिए सिर्फ ग्लैमडिया। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना और अपनों का ख्याल रखिए। वेल, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो और अच्छी लगी हो तो डू हिट द लाइक बटन एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ग्लैमडिया। और अगर आपको ऐसी ही और वीडियोस चाहिए तो नोटिफिकेशन के लिए डू हिट द बेल आइकन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। बाय।